हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने पैरों की सूजन को खत्म करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिन एक्सरसाइज को करके आप घर बैठे अपनी पैरों की समस्या से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पैरों में सूजन क्यों आती है, क्या कारण हो सकता है, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ एक्सरसाइज बताने के पहले मैं कुछ सिंपल एडवाइस भी आपको देना चाहता हूँ, जिनको फॉलो करके आप काफ़ी हद तक उस प्रॉब्लम को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि कुछ आदतें हमारी इस तरीके से होती है, जिनको आप अगर मेंटेन करके रखते हैं या उन आदतों को अगर बदलते नहीं है, तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। इसलिए एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको अपने डेली रूटीन में और लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने होंगे, आपके सिटिंग पोस्चर को, और कुछ छोटे छोटे करेक्शन हैं जिनको करके आप अपनी प्रॉब्लम को ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिन लोगों को सूजन आती है, या कई लोगों को ऐसा होता है कि ज़्यादा देर खड़े रहने के बाद सूजन आ जाती है, कई लोगों को ऐसा होता है कि ज़्यादा देर बैठने के बाद सूजन आती है, और कई लोगों को ऐसा होता है कि ऑल टाइम स्वेलिंग बनी हुई है, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें एडवाइस करूँगा कि हमेशा की तरह दो चीज़ें, कि सबसे ज़्यादा आपका जो समय होता है दिन का, वो एक तो आप अपने वर्किंग स्टेशन पे गुजारते हैं जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, दूसरा जब आप सोते हो तो सबसे ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड करते हो। तो सबसे पहले तो आप अपने पोस्चर को और पोजिशनिंग को ठीक करें। उसमें करना यह है कि आप अपने बेड को इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपके जो पैर है वो थोड़ा सा हाइट में रहे, ऊंचाई पे, और ये हाइट आपकी 7 से 8 इंच हो सकती है, जिसमें आप चाहें तो रजाई या गद्दे को रोल करके भी रख सकते हैं, उस पर भी पैर रख सकते हैं हाइट पे ऊपर करके। दूसरा, आप अपने बेड को ही अगर चाहें कि आपका बेड ही अगर आप चाहते हैं कि स्लोप में रहे, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक तो चीज़ आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप जो वर्किंग स्टेशन पे कुछ चीज़ें करते हैं, सपोज अगर आपका बहुत ज़्यादा बैठक का काम है, बहुत ज़्यादा बैठने का काम है, तो अपने पैरों को ज़्यादा देर तक लटका करके ना बैठें। अगर आपका सिटिंग का जॉब है तो उन पैरों को आप थोड़ा सा फुटरेस पे या हाइट पे इस तरीके से रख सकते हैं, और वर्क काम करते समय भी या काम करते करते भी अपने पंजों को थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे, तो होगा ये कि आपका जो ब्लड का कलेक्टिंग है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग करते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर तक आप खड़े नहीं रहें, कुछ कुछ पीरियड में आपको बैठना है, और वही सेम एंकल टो मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जिनको आपको एक्सरसाइज के साथ में ऐड करना है अपनी लाइफ स्टाइल में। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से लेट जाना है। सबसे पहले सिंपल आपको बेड पे ऐसे लेटना है, लेटने के बाद आपको अपने पैरों को उठाना है, जितना हो सके आपको अपने पैरों को उठाना है। कई लोगों का रेंज ऑफ मोशन कम हो सकता है, कई लोगों का ज़्यादा भी हो सकता है, बट जितना एंड रेंज है आपके पैरों का उतना आपको पैर को उठाना है, और वही 10 सेकेंड इसको होल्ड करना है, और फिर धीरे से रिलैक्स। अदर साइड से भी आपको इस पैर को हवा में उठाना है, रोक के रखना है, 10 सेकेंड इसको होल्ड करना है, और फिर रिलैक्स। इससे होगा ये कि आपके जो पैरों में सूजन आ रही है, जो कि ब्लड के कलेक्शन की है, वो ड्रेन होना स्टार्ट होगी। तो आपको इस तरीके से इस एक्सरसाइज को 10-10 टाइम्स करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज, या यूं कहें कि इसको हम पोजिशनिंग भी बोलेंगे, कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, सेकेंड एक्सरसाइज में इस तरीके से आपको अपने पैर हाइट पे रखना है, और आप चाहें तो अपने घर में रजाई है या गद्दा इस तरीके से रोल करके पैरों के नीचे रख सकते हैं, और चाहें तो अपने बेड को ही इस तरीके से एडजस्ट कर लें कि आपके पैर हमेशा जब आप सोएं तो थोड़ा सा हाइट पे रहें। आपको करना ये है कि अपने पंजों को इस तरीके से आगे और पीछे की तरफ चलाना है, इसे हम एंकल टो मूवमेंट करते हैं, और इससे भी आपकी स्वेलिंग कम होगी। इस तरीके से आपको मूवमेंट करना है। जैसा कि मैंने बताया कि इस चीज़ को आप अगर अपनी जॉब में, अगर लॉन्ग सिटिंग का काम है, तो भी आप थोड़ी थोड़ी देर में कर सकते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा स्वेलिंग आती है, और जिन लोगों का काम खड़े रहने का है, वो लोग भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड एक्सरसाइज, इस तरीके से आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, आप चाहें तो टॉवेल या दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको करना ये है कि आपको इस तरीके से लेट जाना है, लेट करके आपको इस पंजे में दुपट्टे या टॉवेल को इस तरीके से अटका लेना है, और अपने हाथों की सहायता से हल्का सा पंजे को स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच किया और फिर पैर को आपको उठाना है, इसको भी आप जितना ज़्यादा उठा सके उतना उठाना है, इसको रोक के रखना है, होल्ड करना है, और फिर रिलैक्स। इसमें पैर उठाने वाली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में डिफरेंस ये है कि जब भी आप टॉवेल या दुपट्टे का यूज़ करें तो अपनी पिंडली में खिंचाव आना चाहिए, आपको इस तरीके से आपको खींचना है दोनों हाथों से, जिससे आपकी पिंडली में खिंचाव आए, इसको होल्ड करना है, और फिर ढीला।
इसी तरीके से आप दूसरे पैर की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें भी आपको स्ट्रेच करना है, पूरा पंजे को पीछे खींच के लेके आना है और फिर इसको होल्ड करना है और फिर ढीला। इस एक्सरसाइज को आप 10-10 बार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ एक्सरसाइज, इसे हम पोजिशनिंग भी बोल सकते हैं और इस एक्सरसाइज को भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें करना ये है कि आपको सिंपल, जैसा कि आपने देखा होगा, आपके बैट के सहारे या किसी भी दीवार के सहारे आप मैट बिछा करके लेट करके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें करना ये है, आपने बच्चों को देखा होगा जिस तरीके से बच्चे दोनों पैर ऊपर कर लेते हैं, उस तरीके से आपको उस पोजिशन को मेंटेन करना है। मैं आपको करके बताता हूँ। दोनों पैरों को दीवार के सहारे टिका देना है और इस पोजीशन में आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितना चाहें उतनी देर इस पोजीशन में आप लेटे रह सकते हैं। इसमें होगा ये कि वही चीज़ है जो मैंने मैकेनिज्म आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, जिससे आपके पैरों की जो स्वेलिंग है वो पूरी की पूरी नीचे की तरफ ड्रेन हो जाएगी और इस एक्सरसाइज को करके भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ एक्सरसाइज थी जिनको करके आप इजीली अपनी स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कुछ एडवाइस करते हैं कई लोगों को कि आपको अगर पैरों में सूजन है तो मालिश करवाएं, तो उन लोगों को भी मैं सलाह दूंगा कि आप मालिश कर सकते हैं, पर एक मसाज करने का भी एक तरीका होता है, एक सही मैनर होता है। आपको पैरों में मसाज करने का सही तरीका पता होना चाहिए। आपको करना ये है कि जब भी आप पैरों के लिए मसाज करें तो अपने हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ ही ले जाएं, क्योंकि आपको अपने ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट फ्लो करवाना है, जिसमें आपको अपने हाथों की पोजीशन को कभी भी नीचे नहीं लेके आना है। हमेशा नीचे से मालिश करते हुए ऊपर जाना है, फिर छोड़ना है, फिर नीचे से ऊपर ले जाना है। इस टेक्निक को हम एफ्लूरेस बोलते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।